गुड इवनिंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियो सीरीज के अंदर आज अपना टॉपिक होगा सम यूजफुल डेफिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर और प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा था और ओम्स लॉ से रिलेटेड आज हम कुछ डेफिनेशंस को लिखेंगे। बच्चों ये डेफिनेशंस एक्चुअली में लगता तो ऐसे है कि भाई आप इनको जानते हो, लेकिन जब पेपर में आप इनको लिखने पे एग्ज़ाम में आप इनको लिखने बैठते हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करती हैं। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में रिमाइंड करवाना चाहूँ तो बच्चों हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेजर करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। फ्रॉम ओम्स लॉ और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू R इंटू आई, वेयर I is the electric current set up in circuit R is dear student इस टर्म को हमने बोला था resistance of conductor। और बच्चों ओम्स लॉ की एक्टिविटी करते वक्त हमने एक निकल वायर को यूज़ किया था, सॉरी नाइक्रोम वायर को यूज़ किया था, इसलिए हमने नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस उसको बोला था। एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों ये अपने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था। फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन से बच्चों मैं R यानी रेजिस्टेंस को लिखना चाहूँ तो हमने ओम्स लॉ के अंदर भी लिखा था ये R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। प्यारे बच्चों यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर मैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई भी अपने पास एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कांस्टेंट रखूं, तो अगर मैं आई चेंज करता हूं तो आर भी क्या होता है चेंज। सिमिलरली अगर मैं आई को लिखना चाहूं तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखता हूं और रेजिस्टेंस को मैं चेंज करता हूं तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी चेंज। सिंपल से मैं एक बार बताना चाहूँ तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज रखते हैं तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वो भी क्या होगा चेंज। बच्चों ओम्स लॉ के अंदर प्रैक्टिकली हमने इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद में एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की और वो टर्म जो है उसका बेसिक कंसेप्ट या आप बात करें उसके पीछे जो लॉजिक लगता है दिस इज़ द इक्वेशन आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो बच्चों इन लॉजिक्स को यूज़ करते हुए अपनी पहली डेफिनेशन है जिसका नाम है, ये हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल में भी एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी को बच्चों हमने नाम दिया था रियोस्टेट। अब एक्चुअली में बच्चों रियोस्टेट जो होता है एक डिवाइस होता है और एक कंपोनेंट भी आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कह सकते हो। तो प्यारे बच्चों अगर किसी सर्किट के अंदर मैं रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखूं, वेरिएबल्स मींस इट कैन चेंज, और उसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करूँ कांस्टेंट रखूं,
तो बच्चों इसकी वैल्यू एडजस्ट करने पर अपने आप ही आई की वैल्यू क्या होगी, एडजस्ट। तो ये वही डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस हम वेरिएबल रखते हैं और सर्किट के अंदर अपनी आप कह सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम करंट को सेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच रेगुलेट और यू कैन से कंट्रोल विच रेगुलेट्स द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। और प्यारे बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है वो चेंज नहीं होगा तो सर्किट के अंदर जो ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी ओवरऑल चेंज नहीं होगा। अब बच्चों रियोस्टेट जो हमने बताया इसका सिंबल जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ रियोस्टेट, इट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ रियोस्टेट। तो प्यारे बच्चों अपनी पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में? बच्चों बिना पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स किए हुए अगर हम आर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो करंट भी उस सर्किट के अंदर क्या हो जाता है, चेंज। और जो डिवाइस या जो कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये काम किस लिए आता है, इट रेगुलेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ करंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है बच्चों गुड कंडक्टर्स प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टर वो बताए थे हमने जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब बच्चों एक सिंपल से तरीके में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, देखिए अपने पास कंडक्टर आयरन भी होता है, कंडक्टर एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन केबल बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम या कॉपर को ज़्यादा यूज करते हैं, प्रीफरेंस देते हैं इन स्पाइट ऑफ आयरन। ऐसा क्यों करें? तो बच्चों अपने पास एक सिंपल निकल के आता है कि हम उस काम को ज़्यादा करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, या सिंपली हम बात करें जिसमें हमें फ़ायदा हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ठीक उसी तरीके से जिस जो चीज़ अच्छी होती है, कंडक्टर्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से जो अच्छे होते हैं या जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। अब उन गुड कंडक्टर्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें सभी कंडक्टर्स में से, या कैसे उनको निकालें हम? तो उसमें बच्चों ओम्स लॉ के अंदर एक प्रॉपर्टी आई थी जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बच्चों रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी एक मटेरियल या किसी भी एक गिवन स्पेसिमेन की, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। अब गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट या वो कंडक्टर्स या वो मटेरियल, द कंपोनेंट्स
इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या आप सिंपली लिख सकते द कॉम्पोनेंट्स विच ऑफर वेरी लो मैग्नी वेरी लो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूं, जितने भी अपने पास से मेटल्स होते हैं, मेटल्स में कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होती हैं। एक्चुअली में ये सारे जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आयरन का एग्जाम्पल समझाने के लिए, लेकिन आयरन भी अगर मैं दूसरी चीज़ों से कंपेयर करता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल्स हैं ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बच्चों जो ऑल मेटल्स होते हैं उनमें भी एक अपने पास लेड होती है जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल, वो इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो प्लीज मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल मेटल, यहां पर लिख देता हूं एक्सेप्ट पीबी। अब बच्चों सॉरी मैं एक वर्ड लिख गया यहाँ पर नॉन मेटल, प्लीज इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं अलॉय, प्लीज इसको करेक्ट करना अलॉय। अब ये अलॉय क्या होते हैं बच्चों, क्या होता है, हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी के लिए जब भी हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं तो हम उनको बहुत सारे मटेरियल को आपस में मिला देते हैं। तो उनको मिलाने के बाद एक नई प्रॉपर्टी का मटेरियल तैयार होता है और उस प्रॉपर्टी के मटेरियल को हम बोलते हैं बच्चों अलॉयज। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, उसमें मैंने आपको पीबी यानी लेड को बताया है, दे आर गुड कंडक्टर्स। उसके बाद आता है बच्चों अपनी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जो अगला कॉम्पोनेंट है उसका नाम है बच्चों रेजिस्टर्स। बच्चों देखिए मैंने अपने जब मैंने आपको सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया था तब रेजिस्टर्स के बारे में बताया था। तो बच्चों रेजिस्टर कुछ नहीं, वो कंडक्टर्स होते हैं जिनका कुछ एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब एप्रिसिएबल का मींस बच्चों इनका तो बहुत लो होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 1 मैक्सिमम इट इज़ 1 ओम के आसपास। लेकिन कुछ अपने पास ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करता है लेकिन उनका जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, और आप कहें उनमें से वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उन्हीं कंडक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टर्स। सो द कॉम्पोनेंट्स और यू कैन से कंडक्टर्स The conductors which offer some appreciable resistance। बच्चों आर कोल्ड रजिस्टर्स। अब बच्चों मैंने आपको बताया वो सारे के सारे जिनका कुछ एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल वर्ड का मतलब बच्चों इतना भी नहीं कि उसमें से सारा करंट रुक ही जाए, एक वैल्यू होती है, मीन्स आप कह सकते हो 50 ओम 60 ओम 100, कुछ आप ऐसे रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो बच्चों
इन रजिस्टर के अंदर जितने भी अपने कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो कभी आपको देखने को मिले एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में, अगर आप टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर पीछे कंपोनेंट्स देखेंगे उनकी, जिसको सिंपल वर्ड्स में प्लेट कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं वैसे तो उसको टेक्निकल टर्म में तो, लेकिन बच्चों जब उनको आप निकाल के देखो बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करता है लेकिन उनका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होता है। तो ऐसे जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लेकिन करंट फ्लो करता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। और बच्चों ये कंडक्टर्स ही होते हैं, इनका सिंबल जो मैंने आपको पहले भी बताया था दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स। और बच्चों इसके ऊपर हम आर इसलिए लिखते हैं बिकॉज दीज आर कंडक्टर बट दे हैव एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंसुलेटर। अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक इंसुलेटर आप या इन्हीं को आप नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें तो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें अप्रिशिएबल यानी कुछ मीडियम रेंज का होता है, और जिनका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज बिल्कुल हो ही नहीं पाता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो द कंपोनेंट्स, और बच्चों इनका साइज कुछ भी हो सकता है, द कंपोनेंट्स ऑफ सम स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक की बजाय आप सिंपली लिखिए ऑफ सम साइज विच ऑफर्स विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। आर कोल्ड इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। सो बच्चों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर्स। तो प्यारे बच्चों ओम्स लॉ की इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। और बच्चों इंसुलेटर के एग्जांपल की मैं बात करूं उसमें आप काउंट कर सकते हो वुड हो गया जो ड्राई वुड होता है, एंड बच्चों आप बात कर सकें तो सिंपली मैं बोर्ड जो हमने ये यूज कर रखा है दिस इज एक्राइलिक बोर्ड एंड एक्ट्रेट। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ ओम्स लॉ के बेसिस पे जो हमने ये डेफिनेशंस बताई हैं आपको ये समझ में आई होंगी। एक बार अगर आप देखना चाहें तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सबसे पहले रियोस्टेट, गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स। और बच्चों याद रखना रजिस्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं लेकिन उनका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, और कंडक्टर में और इंसुलेट कंडक्टर में और रजिस्टर्स में यानी गुड कंडक्टर्स और रजिस्टर में जो फ़र्क होता है वो यही होता है इनका बहुत ज़्यादा लो रजिस्टेंस होता है और इनका बहुत लो ना होकर कुछ अप्रिसिएबल या आप कहें मीडियम रेंज का इनका रजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चों हम ओम्स में लेते हैं और इंसुलेटर जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब उन सभी के अंदर हमने ओम्स लॉ की इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए इनको बताया है। पहले डेफिनेशंस को हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बताया, दूसरी लास्ट तीन डेफिनेशंस को हमने रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ जो हमें कहाँ से मिला था रेजिस्टेंस वर्ड इट कम्स फ्रॉम द ओम्स लॉ। समझ में आया होगा बच्चों, घर पर पढ़िए और एक बार इसको पूरे वीडियो को देखना, जहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आए उसको कमेंट करना। थैंक यू।